परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और चाहते पिता परमेश्वर के हम जो विश्वास में आगे बढ़े हैं और बॉर्न अगेन जितने लोग हुए हैं, जिन्होंने नए सिरे से जन्म प्राप्त किया है, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्नति में आगे बढ़ें, हमारे आत्मिक जीवन उन्नति में आगे बढ़े, हमारे आत्मिक जीवन का विकास हो और हम आत्मिक जीवन में परिपक्व होकर आपकी महिमा के योग्य हों, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन से इस पृथ्वी पर महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के लिए और आज नए मुद्दे के लिए जो हमने कल शुरू किया है। अब इसी बात को हम आगे स्टडी में लेंगे और स्टडी में चलेंगे ये देखते हुए कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन से नई नई बातें करे और हमें नए डाइमेंशंस में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए। आज हम शुरू करेंगे नीति वचन, उसका 6 अध्याय, उसके 23 पद को फिर से पढ़ेंगे हिंदी में और फिर इंग्लिश में। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इसको अब इंग्लिश में पढ़ेंगे जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन द बुक, फॉर द कमांडमेंट्स इज अ लैम्प एंड द होल टीचिंग ऑफ द लॉ इज लाइट। बहुत क्लियर है। एंड रीप्रूफ्स ऑफ डिसिप्लिन आर द वे ऑफ लाइफ। ये इसमें जितनी बात बोली गई है, आज हमें इस पद को जो हमारे और आपके जीवन के हर क्षेत्र को और हमारे और आपके जीवन के हर पहलू को के लिए आवश्यक है, हम इसके द्वारा देखेंगे। ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, बॉर्न अगेन लाइफ के लिए यहां पर निर्देश है और इसे हमें समझना है, क्योंकि ये पुराने नियम में है और बुद्धि की पुस्तक में यानी नीति वचन में है। इसलिए इसका इसको पूरी तरीके से समझना हमारे और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यहाँ पे इस पद में सुसमाचार यानी द गॉस्पल वी आर टोल्ड ऑफ द वे ऑफ लाइफ, सुसमाचार के द्वारा हमें जो जीवन का मार्ग दिया गया है, इसमें हमको वही बात समझनी है कि ये सुसमाचार के अनुसार जो हमारा जीवन शैली है वो वैसी नहीं है अभी जैसी वचन के अनुसार होनी चाहिए। और यहाँ पे उसी संबंध में इसमें बताया गया है, वे ऑफ लाइफ इज नॉट वन दैट कैन रिडीम अस फ्रॉम सिन। यानी हमारा जीवन अभी जीवन शैली ऐसी नहीं है या जीवन जीने का तरीका ऐसा नहीं है जिससे हम पाप से छुटकारा प्राप्त करने वाला जीवन जी रहे हो, बल्कि हम बिल्कुल सांसारिक और शारीरिक जीवन जी रहे हैं। बट इट कैन बी यूज बाय द होली स्पिरिट टू मेक अस अ लाइफ टाइम लर्नर। यानी इस पद के द्वारा हम ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन भर परमेश्वर के लिसनर बन जाते, सुनने वाले, सुनकर चलने वाले, सुनकर करने वाले, सुनकर बोलने वाले, यानी परमेश्वर की सुनकर। अ डिसाइपल, एक ऐसे शिष्य हु नोज हाउ गॉड वर्क्स थ्रू हिज वर्ड एंड थ्रू द वे दैट इट इज टॉट टू अस बाय द स्पिरिट। हम इस तरीके से हम अपने बॉर्न अगेन के बाद जब हमारा जो हमारा जीवन शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस जीवन के उस मार्ग में जो पवित्र आत्मा के द्वारा
सिखाया जाता है शिक्षित होकर चले। इफ देयर वॉज एवर अ डे टू लिसन क्लोजली टूडे वुड बी दैट डे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा आवश्यक दिन है जिसमें आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से और बड़ी गंभीरता से सुन सके तो वो दिन आज ही है आपके लिए। आज आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको परमेश्वर के वचन की गूढ़ गूढ़ बातों के विषय में बहुत अच्छी ज्योति प्राप्त होगी। ज्योति का मतलब होता अंडरस्टैंडिंग, समझ प्राप्त होगी। वी आर टोल्ड ऑफ टू थिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब। इस नीति वचन में शुरू में हमको दो चीजें पता चलती हैं और जिनके विषय में इसमें बताया गया है। वी आर टोल्ड ऑफ द कमांडमेंट एंड द टीचिंग। इसमें आज्ञा और शिक्षा, ये दो चीजों के विषय में बताया जा रहा है। आज्ञा और शिक्षा, यहां पे कमांडमेंट को बाइबल के अनुसार जब जो आज्ञा है उसको आप लॉ भी कह सकते हैं, आज्ञा भी कह सकते हैं और परमेश्वर का वचन भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा परमेश्वर का वचन आज्ञा और व्यवस्था ही है। इसलिए कई बार लोग पुरानी नियम को व्यवस्था मानते हैं और नए नियम को सुसमाचार मानते हैं। बिल्कुल सही, वो तो सही है, एक पहलू वो है, लेकिन इस एक तरीके से पूरा परमेश्वर का वचन जो है वो आज्ञा भी है और सुसमाचार दोनों साथ साथ है। पुराने नियम में भी आज्ञा भी थी और सुसमाचार अनुग्रह वहां पर भी था, और नए नियम में भी आज्ञा भी है और सुसमाचार भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना आज्ञा के सुसमाचार काम नहीं करेगा। सुसमाचार छुटकारे का समाचार, हमें पाप से छुटकारा पाने का, समस्या से छुटकारा पाने का, बीमारी से छुटकारा पाने का शुभ संदेश है। और आज्ञा वो विधि जिसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर हमको छुटकारा देगा, उस कंडीशन को बताता है। और बिना कंडीशन के वायदा परमेश्वर का हमारे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ये दो चीजें बहुत याद रखिए, इसमें एक तो आज्ञा है, दूसरी शिक्षा है। वी आर टोल्ड ऑफ द कमांडमेंट एंड द टीचिंग, यानी हमको इस पद में दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो आज्ञा है और दूसरा शिक्षा। दीज टू थिंग्स आर कंपेयर्ड टू अ लैंप एंड टू लाइट, और इन दो चीजों को दो चीजों से कंपेयर किया जा रहा है या उसको उस चीज से के रूप में दिखाया जा रहा है। आज्ञा को दिखाया जा रहा है लैंप के रूप में, दीपक के रूप में, और शिक्षा को दिखाया जा रहा है ज्योति के रूप में, यानी लाइट के रूप में। अब लाइट और लैंप, क्या कभी बिना लैंप के लाइट आपने देखी है या बिना लैंप के लाइट संभव है? तो लैंप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लाइट नहीं मिलेगी। लाइट के लिए लैंप का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का संपूर्ण वचन लैंप भी है और लाइट भी है। अब इसको हम आज यहां से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये दो चीजों को दो चीजों से कंपेयर किया गया है। सबसे पहले वी हैव द कमांडमेंट, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कमांडमेंट आज्ञा है। दिस इज द सेम वर्ड दैट इज यूज फॉर गॉड्स 10 कमांडमेंट्स। ये वही शब्द है जो 10 आज्ञाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट रेफर्स टू गॉड्स लॉ एंड आई बिलीव बियॉन्ड द ओल्ड टेस्टमेंट इट कैन बी अप्लाइड टू द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड एनीवेयर इन द ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट। ये जो आज्ञा है, ये आज्ञा यहां पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आज्ञा को आप बाइबल के, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, इसको परमेश्वर का वचन ही भी आप कह सकते हैं, कि परमेश्वर का वचन जो है वो दीपक है। फॉर एग्जाम्पल, ये बाइबल जो है ये डिवाइन लैंप है, और इस डिवाइन लैंप की ज्योति हमारे जीवन से, जो इस वचन को अपने अंदर
समेट लेते हैं, हम इन वचनों को अपने हृदय पर ले लेते हैं और हमारे मन में ये आ जाता है जब, तो वो वचन जो हमारे मन में आया उसके द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की ज्योति प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि हम बन जाते हैं फिर लैंप, और लैंप में से क्या निकलना चाहिए? ज्योति। यीशु मसीह की बात को याद रखिएगा, उसने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, और उसी समय, ठीक उसी समय उसने अपने चेलों से जिन्हें उसने बुलाया था और क्या मेरे पीछे हो लो नाम लेकर बुलाया था, उनको कहा था कि और तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। तो यानी यीशु मसीह ये कह रहा था कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर ऑल्सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और ये काम होगा कैसे पूरा, उसे करने के लिए यीशु मसीह आया था। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब पवित्र आत्मा आया तो यही चेले उस ज्योति को प्रकट करने वाले हुए। और इसीलिए हम इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझें कि ये आज्ञा जो है वो परमेश्वर का वचन है एक तरीके से। एनीवेयर इन द न्यू टेस्टमेंट वी आर टोल्ड हियर दैट द कमांडमेंट इज अ लैंप, हमको यहां पे ये बताया जा रहा आज्ञा जो है वो दीपक है। एंड इफ लिट इट विल रेडिएट लाइट, अगर इट इज समथिंग दैट होल्ड्स लाइट, यानी दीपक वो चीज है जो ज्योति देने वाला होता है, यानी प्रकाश देने वाला होता है। और अगर दीपक नहीं होगा तो प्रकाश हमें मिलेगा कहां से? एंड इफ लिट इट विल रेडिएट लाइट, लेकिन दीपक को जब जलाएंगे तभी तो ज्योति होगी, लेकिन दीपक अगर बुझा हुआ है तो क्या ज्योति होगी? तो दीपक दो प्रकार के होते हैं, एक बुझा और एक जला, है ना। मोमबत्ती को आप ले लीजिए, मोमबत्ती दो प्रकार की है, एक बुझी और एक जलती। आप और हम जो मसीह के अनुयायी हैं या विश्वासी हैं, हम कौन सा वाला दीपक है अभी, जलता के बुझा? खुद निर्णय करें सब लोग, आप कौन सा दीपक है, जो प्रज्वलित है या जो बुझा हुआ है? बुझा क्यों है? क्योंकि दीपक में या लैंप में अगर तेल नहीं होगा तो लैंप जलेगा नहीं? जलेगा ना, तेल नहीं है। और तेल क्या है, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पुराने नियम से नए नियम तक तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है बाइबल में। तो पवित्र आत्मा नहीं होगा तो तेल नहीं होगा, और पवित्र आत्मा नहीं होगा तो दीपक बुझा होगा, पक्की बात। अगर कोई मसीही है और उसके जीवन में ज्योति नहीं है तो वो कौन सा मसीही है? बुझा वाला के प्रकाशमान, बुझा वाला। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके जीवन से संबंधित बात है, और ये हमारे लिए बहुत उत्सुकता पैदा करने वाली बात है कि Who understand the figures and types that are used for God's Holy Spirit? जो लोग इस बात को समझते हैं कि जो प्रतीक बाइबल में हमें बताए जाते हैं वो प्रतीक का क्या संबंध है, किस बात से संबंध है, वो हमको मालूम है कि स्पिरिट पवित्र आत्मा जो ज्योति है वो पवित्र आत्मा और उसके कार्यों का प्रतीक है, हाँ, उसको ज्योति बोलते हैं। When that oil is lit, the lamp produces light. जब तेल जलता है तब ज्योति प्रकट होती है और हमको प्रकाश देती है। In much the same way, the word of God always has within it the teaching of the Holy Spirit. इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में जब आती है और हम उस शिक्षा से शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे जीवन से दिव्य ज्योति दूसरों को प्राप्त होने लगती है, हम दूसरों के काम के हो जाते हैं। His leading and his instruction,
पवित्र आत्मा के अगुवाई और पवित्र आत्मा के निर्देशों के द्वारा इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग और उसकी चेतावनियां एंड द लैंप वी हैव द एंड रिब्यूक और डांट। देखिए जब कोई व्यक्ति कुछ लीडिंग पार्ट में आता है तो पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति मसीही जीवन में लीडिंग पार्ट में नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षित हुए बिना कोई व्यक्ति मसीही जीवन में कलीसिया में वचन की सेवकाई करने के लिए लोगों की अगुवाई करने के लिए कभी भी यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है ना कभी किया गया है। इतिहास भी आप देख सकते हैं जो चीज उसने नहीं की है और जो चीज वो नहीं कर सकता है उस चीज को जबरदस्ती हम आज डेवलप कर दें अपनी तरफ से एक नई रीति चला दें तो वो मसीह की कलीसिया नहीं कहलाएगी, वो आपकी कलीसिया कहलाएगी जो ऐसी विधियों को शुरू करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा आई विल बिल्ड माई चर्च तो यीशु मसीह की मर्जी से चुना हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के अनुसार तैयार किया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह की कलीसिया के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो कलीसिया में सब लोगों की अगुवाई करे और वे भी परमेश्वर के वचन के प्रकाश के द्वारा ना सिर्फ अपनी अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से एक्टिविटीज से इन चीजों से लीडिंग नहीं की जाती है मसीही कलीसिया में। और इसी बात को हम यहां पर देखते हैं और जब तक तेल नहीं होगा और जब तक आग नहीं होगी। देखिए तेल और आग दो चीजें लैंप को जलाने के लिए चाहिए होती है, दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है तेल, तेल है पवित्र आत्मा, और आग, आग कहां से लाओगे? ये वो आग नहीं है जो आप माचिस से लगाते हो। बाइबल के अनुसार देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायर स्पिरिचुअली, वन इज द फायर ऑफ हेल एंड वन इज द पावर फायर ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेला था पेंतेकोस्त के दिन, उस दिन आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी थी, टंग्स जबाने, और प्रत्येक पर आकर ठहर गई थी। क्या चीज ठहर गई थी? आग के आग की सी फटती हुई जीभें, जबाने आकर ठहर गई थी, यानी अन्य भाषा, यानी सारी दुनिया में पृथ्वी पर जितनी भाषाएं बोली जाती थी वो सारी भाषाओं की लैंग्वेजेस की जबान आकर ठहर गई थी। कहां? जो यीशु मसीह की आज्ञा मानकर वहां पर ठहरे हुए थे, आज्ञा का पालन करके कि पवित्र आत्मा जब तक ना उतरे चले मत जाना, यीशु मसीह ने कहा था ना, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। और यीशु मसीह के बुलाए हुए और यीशु मसीह के चुने हुए थे, उन्हें उसने आज्ञा दी थी और वो लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था, तो वहां पर फायर जरूर दिखाई दी थी। और ये फायर क्या थी, ये फायर क्यों दिखाई दे रही थी, इस फायर का क्या काम था? ये फायर परमेश्वर की पवित्र अग्नि यानी परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए थी। अब आप पुराने नियम से देखिए, मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया था तो जलती हुई झाड़ी के द्वारा उसने दर्शन दिया था। कैसे दिया था? जलती हुई आग के द्वारा, अग्नि में, अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था कि आई एम द फायर, हाँ मैं अग्नि हूं। अग्नि का क्या काम होता है? परमेश्वर ने अपने आप को, या ये प्रतीक है, अग्नि का मतलब होता है जजमेंट करने वाली, न्याय करने वाली। जो चीज आप आग में डालेंगे जो भस्म होने वाली वो भस्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप सोना आग में डालेंगे तो कुंदन बन जाएगा, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो आग जो है वो प्योरिफिकेशन का बेस्ट मीडियम है।
आप जब खाना पकाते हैं तो काहे में पकाते हैं? आग। बिना आग के खाना आप नहीं खा सकते वरना बिना पकाए, क्योंकि वो शुद्धिकरण नहीं होता है। जब उस आग जलती है, खाना भुनता है, बॉयल होता है, सारे जीवाणुओं को मार देता है, इसलिए पका के खाया जाता है ना, पका हुआ खाना। जानवर कच्चा खाते हैं लेकिन हम लोग पका हुआ खाते हैं। इंसान पका हुआ खाना हमारे शरीर के भीतरी अंगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अगर हम कच्चा खाएंगे तो नुकसान होगा। अब आप देखिए, फायर का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अब आप यहां पे देखिए कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दीपक के लिए, एक तो तेल, दूसरा आग। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है और आग परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। पिछले सारे अध्ययन अब यहां पे काम आएंगे ताकि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि क्यों बताया था वो टुकड़ों में। फायर रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ऑयल रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट। और अगर दीपक में ये दो चीजें आ गई तो रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। अब देखिए यहां पर यीशु मसीह बहुत खास बात बोल रहे हैं जो मॉडर्न मसीही लोग, आधुनिक मसीही लोग, आज के युग के मसीही लोग कभी इस चीज को ना समझ पाए और ना कभी इस चीज पे ध्यान दिया। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु कब, हु फॉलो मी। आप किसको फॉलो कर रहे हैं मसीही जीवन में? आप उसी की ज्योति प्रकट करेंगे, आप उसी के चेले कहलाएंगे। अगर आप मसीह के चेले हैं तो यीशु मसीह के चेलों को भी देखिएगा, वहां पे हमारे लिए बाइबल में प्रमाण रखा हुआ है कि जैसा यीशु मसीह का चलता था और कार्य होता था, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे, ठीक वैसे ही बल्कि उससे भी बढ़कर यीशु मसीह के चेलों के द्वारा हुए, क्योंकि उसने कहा था तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब है कि उसके समान चलना, उसके समान बोलना और उसके समान कार्य करना। और ये कार्य यीशु मसीह भी नहीं करता था, परमेश्वर का आत्मा जो उसके जीवन में था वो करता था, और उसके जीवन से परमेश्वर की ज्योति प्रकट होती थी, और यीशु मसीह के चेलों के जीवन से यीशु मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है जो उन पर उतरा था, वो कार्य करता था, और उसके यीशु मसीह के वही आत्मा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था, और चेले अपना इनकार करते थे, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उस प्रभु ने किया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था। ऐसी गवाही दे देकर लोगों को प्रमाणित करते थे कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वो कर रहा है। आजकल के लोग अगर बाई चांस किसी के लिए प्रार्थना की और संयोग से कोई बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया तो अपने आप वो ओढ़ना ओढ़ते कि देखो मेरे आया था, मैंने प्रार्थना की थी, और ये मसीह का कार्य नहीं है। और अगर आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होकर कार्य करती है और उसको आप अपनी महिमा के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से उसके बाद कुछ भी नहीं करने देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को महिमा ना दी। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जो कोई मेरे पीछे हो ले वो अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले और अपने आपे का इनकार करे। ये मैंने नहीं किया, जैसा चेले करते थे, ये सच्चे चेले थे। और आजकल के मसीही लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को अपनी महिमा में इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ के कार्यों के कारण वो काम कर रहा है और महिमा खुद ले रहे हैं। मैंने हुआ, मेरे यहां हुआ, ऐसा हुआ है। वी हैव द पवित्र आत्मा के कार्यों को, जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आकर
उसके द्वारा करता है, वो करने वाला सोर्स जो है वो पवित्र आत्मा है। और वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वचन के, वचन ही तो आग है, और वचन रूपी आग जब हमारे अंदर आती है और फिर पवित्र आत्मा आ जाता है, तो उस आग को, परमेश्वर की उपस्थिति को जो वचन के द्वारा हमारे अंदर है, उसको सामर्थ के साथ लोगों के बीच में प्रकट करता है, सामर्थ के कामों के द्वारा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। इट कैन प्रोड्यूस लाइफ। देखिए, जी, वी हैव द वंडरफुल वर्किंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड एज ही इल्यूमाइंस द स्क्रिप्चर्स फॉर अस। यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को हमारे सामने प्रकाशित करता है, यानी उसका प्रकाश हमें देता है, और इसका मतलब यह हुआ कि वो बातें हमारे अंडरस्टैंडिंग में आ जाती कि परमेश्वर हमको क्या दिखा रहा है और क्या सिखा रहा है, इसी को इल्यूमाइंस बोलते हैं। बट बिफोर वी थिंक दैट सिंपली रीडिंग और हियरिंग द वर्ड विल ऑलवेज प्रोड्यूस लाइफ, लेकिन हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने से हमेशा प्रकाश प्राप्त होगा। वी नीड टू रिमेंबर दैट द कमांडमेंट इज अ लैम्प। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो लैम्प है, यानी दीपक है। इट कैन प्रोड्यूस लाइट, वो ज्योति उत्पन्न कर सकती है, बट इट कैन ऑल्सो रिमेन अनलिट एंड जस्ट बी अ लैम्प। लेकिन अगर वो बुझी हुई है, वो परमेश्वर का वचन लैम्प है, लेकिन अगर वो बुझा हुआ है तो क्या वो ज्योति प्राप्त होगी आपको? आजकल मालूम लोग एक दूसरे को आयते भेजते हैं, वर्सेस रिटन वर्ड आप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो, तो वो ज्योति नहीं है, वो प्रज्वलित नहीं है और ना होगा। जिसको तुमने भेजा वो भी शब्दों को पढ़ के डिलीट मार देगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ बताइए। ये इतने 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, लोग एक दूसरे को वर्सेस ही तो बता रहे हैं, वर्सेस सुना रहे हैं, वर्सेस पढ़ा रहे हैं, और वर्सेस एक दूसरे को आजकल ट्रांसफर करने लगे। मोबाइल के जमाने में क्या कर रहे हो, हम सवेरे सवेरे दूसरे को वर्स भेजते हैं। वर्स भेजने से अच्छा है ज्योति भेजो, और ज्योति भेजी नहीं जाती है। ज्योति एक स्थान पे प्रज्वलित होती है, और जिसको वो ज्योति चाहिए वो उस स्थान पे निकलकर आए। सूर्य आकाश में प्रकट होता सवेरे और प्रकाशमान हो जाता है, जिसको ज्योति की जरूरत हो बाहर निकल के आए। सूरज की रोशनी की जरूरत, आप बाहर निकल के आइए, लेकिन सूरज आपके घर के अंदर नहीं आएगा। आज के मॉडर्न युग के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन लैंप है, एक दूसरे को लैंप भेज रहे हैं। लैंप भेजने क्या होगा, बुझी मोमबत्ती है, जब तक कि वो प्रज्वलित ना हो। हाँ, इसीलिए इस पद के द्वारा हम जो सीख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन प्रोड्यूस, ये परमेश्वर का वचन जो है ये ज्योति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जो कर सकता है का मतलब कंडीशनल, कंडीशन है। इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, तेल और आग, इसके बिना ये प्रज्वलित नहीं होगा। देर आर डोज हु मिसयूज गॉड्स वर्ड एंड नो लाइट कम्स फोर्थ। ऐसे इस प्रकार से लोग मालूम है परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इससे ज्योति नहीं बल्कि अंधकार प्रकट होगा, अंधकार प्रकट होगा, और लोगों को और अंधेरा 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 मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो प्रज्वलित नहीं है। और परमेश्वर के वचन को, द डेविल हिमसेल्फ कोटेड द स्क्रिप्चर्स टू जीसस। शैतान ने परमेश्वर के, शैतान ने यीशु मसीह से जब वो उसकी परीक्षा कर रहा था तो वचन कोड किया था कि नहीं किया था। अब आप एक बात बताइए, जब शैतान ने यीशु मसीह को वचन कोड किया, कहां पे कोड किया था? उसने कहा था कि अपने आप को नीचे गिरा दे, निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती रचित सुषमाचार उसका 4 अध्याय। तुरंत जाके हमें ये चीज चेक करनी चाहिए कि वचन को मिसकोड करने का क्या नतीजा होता है। शैतान मिसकोड करता है, हैं? और यीशु मसीह राइट कोड करता है। अब यहां पर देखिए, इसको शास्त्रार्थ बोलते हैं। कोई व्यक्ति कर तो
सब आपस में शास्त्रार्थ रहे, एक दूसरे को वचन से मार रहे हैं। अरे आप किस पर वचन चला रहे हो? पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह और शैतान आमने सामने हैं और रिटन वर्ड को कोड किया जा रहा है, यानी परमेश्वर के वचन का पद कोड किया जा रहा है। और आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़िए। तब इब्लीस किसे? यीशु मसीह को, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। उसने आयत मारी, यीशु मसीह को आयत सुना रहा था, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा ले। वाकई में लिखा भजन संहिता 103 में लिखा हुआ। लेकिन अब आप एक बात बताइए, ये शैतान यीशु मसीह से वो करने को कह रहा है जो परमेश्वर की इच्छा, योजना और आज्ञा तीनों के विपरीत है। आज लोग परमेश्वर की इच्छा, योजना और आज्ञा के बिल्कुल विपरीत जीवन बिता रहे हैं और इसी तरीके के वचनों को मिसकोट कर रहे हैं। दिस इज द सैटेनिक वर्क कि नहीं नहीं प्रभु तुमको आशीष देगा, ताकि लोग सच्चाई को ग्रहण ना करें जबकि बल्कि भ्रमित है और भ्रमित रहे। जैसे वो है वैसे ही रहे, कोई कलीसिया की ओर ना जाए, कोई परमेश्वर के सच्चाई की ओर ना जाए, वो उसी के पास बना रहे। अपने झुंड को भ्रमित करके आप अपने वश में करना मांगते हैं जिन लोगों को, ताकि वो लोग परमेश्वर की सच्चाई और उस ज्योति को जाकर ना प्राप्त कर लें, इसलिए लोग मिसकोडिंग करते हैं। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, आगे पढ़िए, हाँ यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। जब आप किसी को कोई वर्स, कोई मैसेज आपने सुना और मैसेज सुनने के बाद आपने एक वर्स कोट कर दी विपरीत, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये सैटेनिक वर्क है कि नहीं? तब यीशु मसीह ने शैतान से कहा, ये भी लिखा है। तो आप जब किसी को कोई वर्स कोट करते हैं विपरीत, तो आप शायद ये भूल जाते हैं कि उसके विपरीत भी कुछ लिखा है। आप किसी को ये मत कहिए कि तुम्हारा भला होगा, क्योंकि उसके विपरीत भी लिखा है, यदि तुम उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो विपरीत वाली भी तो बताओ, केवल फेवर फेवर वाली क्यों? ये मिसकोडिंग बोलते हैं इसको, रॉन्ग कोड, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाना, यानी संदर्भ के अतिरिक्त जाकर वचन का इस्तेमाल करना, और ये मिसयूज है परमेश्वर के वचन का, और ये आज के युग में बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। देयर आर ऑल्सो प्रोफेसर्स इवन एट सेमिनरीज। आज के युग में जहां पे बाइबल ट्रेनिंग कराई जाती है, पास्टर्स ट्रेनिंग होती है, उसे सेमिनरी बोलते हैं। सेमिनरीज में ऐसे प्रोफेसर्स हैं हु डू नॉट बिलीव द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसे जो ये विश्वास ही नहीं करते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ऐसे प्रोफेसर बाइबल कॉलेजेस में हैं, सेमिनरीज में हैं, हैं? द टीचिंग दे डू प्रमोट डार्कनेस, उनकी शिक्षा जो है वो अंधकार को प्रमोट कर रही है। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट वी कैन नॉट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैट व्हेन द बाइबल इज टॉट और रीड दैट इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन लाइफ। इसका मतलब ये है कि हम इस विषय में एकदम अंधभक्त ना हो और ऐसे ना हो कि कोई भी व्यक्ति बाइबल जब भी प्रचार की जाए या बाइबल की शिक्षा दी जाए उसे हम ऐसे ही ग्रहण कर ले, ये तो अंधकार प्रकट करेगी, ये झूठी शिक्षा भी हो सकती। वचन को सुनने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए बॉर्न अगेन का पार्ट बहुत जरूरी है। अगर आप बॉर्न अगेन मसीही हैं,
तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है तो बॉर्न अगेन ना होने के कारण आप किसी के भी अंधभक्त बन जाएंगे। बेशक एक पद निकालिए ताकि आपको पता चले कि नए नियम में ऐसा लिखा हुआ निर्देश है, इंस्ट्रक्शंस है फॉर द चर्च, यानी कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया के में जो सदस्य हैं उनके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 26 पद में ऊपर क्या लिखा है, हेडिंग उपासना में अनुशासन, यानी वर्शिप सर्विस, जब संडे सर्विस होती है उसका डिसिप्लिन क्या है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, पहली सदी की कलीसिया के अनुसार, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित सेवक थे और वहां पर बॉर्न अगेन बिलीवर्स थे। वहां पर क्या था इसको 26 पद से पढ़िए, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, रहना चाहिए आज के युग में, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करिए, अन्य भाषा के विषय में जी। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे, ये डिसिप्लिन है, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें, व्यक्तिगत बातें करें, पर्सनल जी। अब ये प्रीचिंग है, प्रीचिंग ऑफ द वर्ड, यानी नए नियम में भविष्य वक्ता का मतलब होता है टू इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन का प्रकाश देने वाला। यदि कोई भविष्यवाणी करे जी आगे, भविष्य वक्ताओं में से दो या तीन हो और शेष लोग जो कलीसिया के शेष लोग हैं, क्या करना कलीसिया को, लेकिन ये कंडीशन यहां पे क्या, मैं बॉर्न अगेन होंगे तो फरक पाएंगे और बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो जीवन में कभी नहीं फरक पाए, अंधभक्त बन जाएंगे। और आज क्या हुआ, आज कलीसिया में यही तो प्रॉब्लम हो गई, ये सब बॉर्न अगेन कोई नहीं है, ये सब अंधभक्त है, ये इन्होंने हर एक व्यक्ति का, हर एक शिक्षक के पास उसके तमाम फॉलोअर्स हैं जो अपने अपने गुरु को वो आदर दे रहे हैं जो यीशु मसीह को देना चाहिए और उसको वही स्थान दे रखा है। और इसका कारण अभी हमने पढ़ा कि ऐसे ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करेंगे लेकिन वचन का प्रकाश नहीं होगा क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन से काम नहीं करेगा। और इसीलिए परमेश्वर के वचन की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पहली सदी की कलीसिया में सबसे पहला काम जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु कौन, प्रभु यीशु मसीह, उनको प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ देता था, प्रेरितों के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करो, इसलिए वो लोग प्रचारक की बातों को परख पाते थे बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ द बाइबल, वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाले लोग थे। द सेकेंड स्टेटमेंट मेड हियर इज दैट द टीचिंग इज लाइट, शिक्षा जो है वो ज्योति है। फर्स्ट ऑफ वी नीड टू नोट हियर दैट वी आर नॉट रीडिंग दैट द टीचिंग इज द लाइट इज रिजर्व फॉर रेफरेंसेस टू जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यानी ज्योति जो है वो केवल यीशु मसीह के लिए रिजर्व की गई है, केवल उसी को बोला जाता है। और यहां पर जो शिक्षा तो ज्योति है तो वो ज्योति यीशु मसीह है, यानी मसीह की शिक्षा हमारे जीवन में ज्योति है, दिव्य ज्योति का काम करेगी अगर हम परमेश्वर की आज्ञा जो दीपक है उसमें उसको अपने पास रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे।
यानी परमेश्वर के वचन अगर हमारे मन में रहेंगे, आज्ञाएं मन में रहेंगी, अंदर माइंड में, तो यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होगी। आपको मालूम है, इसीलिए पूरे पुराने नियम में लिखा है, कीप द लॉ ऑलवेज इन योर माइंड, अपने मन में, यानी उसको फोकस किए रहना, वचन या आज्ञाएं जो है वो हमारे माइंड में हमेशा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि नए नियम में परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे हृदय पर, पत्थर की पटियाओं पर नहीं, हमारे हृदय पर, मांस रूपी पटियाओं पर और स्याही से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा जाएगा। तब हम मसीह के होंगे, तब मसीह की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो, हम लैंप बन जाएंगे। जब परमेश्वर की व्यवस्था हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिख दी जाएगी, तो मसीह की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो आग और तेल दोनों चीजों का मेल होगा और हमारा जीवन मसीह की ज्योति में, मसीह की ज्योति को प्रकट करने वाला जीवन हो जाएगा, लैंप हम बन जाएंगे। जब हम लैंप बन गए, इसी को नए नियम में पौलुस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर होगे और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में वास करेगा और उसकी ज्योति तुम्हारे जीवन से प्रकट होगी। इसीलिए बोला गया, क्योंकि यहां पे बताया गया था कि लैंप का, यहां पे लैंप, इसीलिए नीति वचन एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक उसका 27 अध्याय, उसका 27 अध्याय, 27 अध्याय निकालिए, पद में बता रहा हूं, नीति वचन 27 अध्याय और उसका 27 अध्याय बीस अध्याय में आइए, बीस अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। मनुष्य की आत्मा, नीति वचन में ही ये बात लिखी है, आज्ञा तो दीपक है, और ये आज्ञा जो परमेश्वर का वचन है, ये अगर मनुष्य के मन में आ गया, उसकी आत्मा में आ गया, तो मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक बन जाएगी। और आगे पढ़िए, वो मन की सब बातों की, हाँ, तो जब हमारे बाइबल स्टडी से क्या होता है कि परमेश्वर के वचन मनुष्य हमारे हृदय में आ जाते हैं, हमारे आत्मा में आ जाते हैं, और जैसे ही आत्मा में आते हैं तो आत्मा में जीवन आ जाता है, और आत्मा में जीवन आता है और हमारा जीवन सब लोगों के बीच में ज्योतिर्मय हो जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, तो ये आप सोच लीजिए कि हम दीपक बन जाते हैं और पवित्र वचन जो है वो हमारे अंदर भरता, ये तेल बन जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रज्वलित हो जाता है और हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, चलता फिरता दिया, और लोग परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में देखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के कारण परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म, लोगों के जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर आते, तो उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य होते हैं और आश्चर्य कर्म होते हैं। इससे क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है, जिसके जीवन से हो रहा है वो एक माध्यम है, महिमा तो परमेश्वर की होनी चाहिए, ठीक है, और इसीलिए हम इसको अध्ययन कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो। और देखिए, द वर्ड फॉर टीचिंग इज हियर द हिब्रू वर्ड तोरा, यहां पे जब हम हिब्रू में इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट का पार्ट है, नीति वचन 6 अध्याय के 23 पद को, तो वहां पे टीचिंग के लिए जो शब्द लिखा हुआ वो लिखा तोरा। तोरा का मतलब मालूम है, तोरा का मतलब, तोरा को व्यवस्था भी बोलते हैं, और यहां पे तोरा है, हियर तोरा मींस इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। तोरा का एक्चुअल मीनिंग क्या है मालूम है, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को तोरा बोला जाता है, ओल्ड टेस्टमेंट को भी तोरा बोला जाता है,
अगर आप और थोड़ा सा इसको बड़ा करें तो पूरी बाइबल तोरा है। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, दिशा निर्देश। और दिशा निर्देश परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक जीवन में होना चाहिए ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह से मैच करे, ये वैसे ही जैसे उसका था वैसे ही हमारा जीवन हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और जमीन पर हो कुछ और रहा है और वास्तविकता में जो हो रहा है वो सत्य नहीं है। इन द ओल्ड टेस्टमेंट द वर्ड मीन्स इंस्ट्रक्शन इन अ जनरल मैनर फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। द आइडिया हियर इज दैट द कमांड इज द लैंप एंड व्हेन द स्पिरिट और अ स्पिरिट इंस्पायर्ड टीचर इज इंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम इट द लैंप टीचर, यानी लैंप का मतलब है टीचर, इज इंस्ट्रक्टिंग लैंप बिकम्स लाइट। जो लैंप है दीपक है उसमें से ज्योति प्रकट होनी चाहिए और जब वो ज्योति प्रकट होती है और बिजनेस के इल्यूमिनाइन यानी जब वो ज्योति प्रकट होती है और रोशनी मिलने लगती है विथ लाइट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रास्प बिकॉज इट इज द वेरी वे दैट गॉड विल इंस्ट्रक्ट एंड टीच अस। इसीलिए तो परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाहता है, शिक्षित करना चाहता है ताकि, और निर्देशित करना चाहता है ताकि हमारा जीवन मसीह की ज्योति हमारे जीवन से प्रकट हो ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। वी कम टू द वर्ल्ड बट वी कोवेट दैट व्हेन वी डू द होली स्पिरिट इंस्ट्रक्ट्स अस एज वी रीड एंड एज वी मेडिटेट अपॉन व्हाट द वर्ड सेज। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं, मनन करते हैं, तो हमें उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी ज्योति मिलती है, ये एक अनुभव है, यानी हमें समझ प्राप्त होती है, हमारी समझ में आ जाता है। डू नॉट मिस अंडरस्टैंड मी टू से दैट द बाइबल बिकम्स द वर्ड एज इट इज टॉट। इस बात खुद को कभी भी मिसअंडरस्टैंड मत करें, बाइबल को सीखे बिना या बाइबल की बातों को सीखे बिना आपको ज्योति नहीं मिलेगी। दैट इज फॉल्स डॉक्ट्रिन। द बाइबल इज ऑलवेज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड दैट गिव्स अस द रेवलेशन ऑफ गॉड। इट यानी परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है और वो हमको प्रकाशन देता है। क्या देता है? प्रकाशन देता है। प्रकाशन का मतलब परमेश्वर हमको कुछ दिखाता है और उसको ज्योतिर्मय रूप में दिखाता है ताकि वो दिव्य ज्योति से हमको दिखे और हमें समझ में आए और हम उसको ग्रहण करें। इट इज जस्ट दैट वी आर ब्लाइंड टू इट विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के निर्देशों के जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम बाइबल के प्रति आत्मिक तौर पर ब्लाइंड होते हैं। उसमें लिखी हुई बातों को आप पढ़ रहे हैं, शब्दों को, लेकिन उसके पीछे जो ज्योति है छिपी हुई वो आपको कभी नहीं रिवील होगी। इसी को रेवलेशन बोलते हैं। दैट इज वाई नहीं सो दैट होली स्पिरिट हु ओपन्स आवर हार्ट्स एंड स्पिरिट सो दैट वी कैन रिसीव व्हाट गॉड से। यानी जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय को और हमारे हृदय को ना खोले और हमारी आत्मा को जीवित ना करे, जब तब तक हम परमेश्वर के वचनों का प्रकाश ग्रहण नहीं कर सकते। दैट इज वाई आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्शियसली आस्क द स्पिरिट ऑफ गॉड टू टीच अस व्हेन वी कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जब भी परमेश्वर के वचन को लें तो पवित्र आत्मा के प्रकाश में इसको पढ़ें, पवित्र आत्मा के निर्देशों में इसको पढ़ें। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से इसका इंटरप्रिटेशन ना करें। देयर इज वन अनदर थिंग इज इन दिस पैसेज टीचेस अस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड इन अवर लाइफ। यानी ये जो नीति वचन 6:23 है इसमें एक और चीज है जो हमको इस परमेश्वर के
फंक्शनिंग को, पवित्र आत्मा के कार्यों को कैसे वो कार्य करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में, इसको भी ये बताती है। टुडे देयर आर मेनी हु टीच दैट द मेजर रीजन फॉर गॉड्स वर्ड इज दैट वी कैन कन्फेस हु वी आर। बहुत से लोग आज इस बात की शिक्षा परमेश्वर के वचन को लेकर दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ये इसलिए है कि हम परमेश्वर के वचन का पॉजिटिव कन्फेस करें, यानी सकारात्मक वो तौर पर अंगीकार करें कि हम क्या हैं इन अ पॉजिटिव वे। देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद दिस डॉक्ट्रिनल व्यू, और इस सिद्धांत में कुछ समस्या है। वी कैन गेट टू द पॉइंट वेयर वी ओनली रिसीव पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट आवर सेल्फ फ्रॉम गॉड्स वर्ड। अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के, हम इस नजरिए से चले कि परमेश्वर के वचन से हमको केवल पॉजिटिव चीजें ही मिलनी चाहिए, नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, ये गलत है, ये गलत धारणा है। आप सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें कैसे ले सकते हैं, ऐसा कोई मैसेज बाइबल में है ही नहीं। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों सामने रखा, परमेश्वर ने लाभ और हानि दोनों सामने रखा, परमेश्वर ने आज्ञा और अनाज्ञाकारिता दोनों को सामने रखा और हमसे कहा चुनाव करो। तो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें चुनाव के लिए दोनों चीजें सामने रखकर बोलेगी, यू चूज। तो हम चुनाव करते हैं, तो बाइबल हमको कुछ देती नहीं है बल्कि बाइबल हमको एजुकेट करती है कि हम भले और बुरे में चुनाव करना सीखे। यही तो स्टडी है और यही शिक्षा है। डू नॉट, देखिए, और इसमें टू गेट द पॉइंट वेयर दे ओनली रिसीव पॉजिटिव मैसेजेस अबाउट आवर सेल्फ फ्रॉम गॉड्स वर्ड। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे, हमको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से पॉजिटिव मैसेजेस मिले, तो ये गलत धारणा है। पॉइंट वेयर वी ओनली रिसीव अबाउट आवर सेल्फ फ्रॉम गॉड्स वर्ड एंड नॉट कन्विक्शन ऑफ सिन, और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो पाप का, पाप के कारण जो हम पर दोष है, पाप के विषय में बाइबल से मैसेज ना दे, दोष ऐसी बातें मत बोले कि लोगों के मन में दोष भावना पैदा हो, ये कह रहे हैं। और इस तरीके का प्रचार झूठा प्रचार है। परमेश्वर का वचन आपको ज्यादा क्या करेगा मालूम है, आपको ज्यादा पाप के विषय में बताएगा, ताकि आप अपने जीवन में देखो कि परमेश्वर का वचन आपको दिखा रहा है कि तुम स्वभाव में पाप हो, पापी हो, तुम विचारों में पापी हो और तुम कार्यों में पापी हो, तुम हर तरफ से पापी हो। और when we read this passage though it seems that we are learning something contrary to the positive confession doctrine, ये एक प्रकार की doctrine संसार में चल रही है कलीसियाओं में जो झूठी शिक्षा का पाठ है। and reproofs for discipline are the way of life, और अनुशासन के लिए लोगों को डांटना ये जीवन का मार्ग है। 6:23 में When we read this, we have to come to the conclusion that a large part of what the word of God, yani Bible, Parmeshwar ka vachan, Bible, word of God is going to do is reprove us. Parmeshwar hame har vishay mein pratarit karta hai, daantta hai, taki hum uski daant ke dwara इस बात पर गंभीर हो कि हम क्या हैं जो परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है। हम वो हैं, हम वो नहीं हो सकते जो हम अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि हम धर्मी हैं, बल्कि हम पापी थे, पापी हैं और पापी रहेंगे। इट इज प्रोबेबली एटलीस्ट 1/4 ऑफ व्हाट इट डज बिकॉज वी रीड इन 2 Timothy, 2 Timothy 3:16 पढ़िए, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 2 Timothy 3:16, परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र, 2 Timothy 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सब लोग मान लेते हैं। और ये किस लिए रचा गया है, जो और उपदेश, उपदेश का मतलब इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, निर्देश, और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए
लाभदायक है अगर ये इस तरीके से सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो। आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक सिद्ध का मतलब जिसका जीवन प्रूव्ड हो जाए, जिसके जीवन से रोशनी निकलने लगे, जैसे यीशु मसीह के बाद उसके चेले वैसा हो, ताकि सिद्ध इसको बोलते हैं, जैसे यीशु मसीह के बाद उसके चेले सिद्ध हुए, वैसे ही हमारा जीवन भी सिद्ध हो, ताकि हर एक भले काम के लिए हम तत्पर यानी रेडी हो जाएं, कि प्रभु हमसे कुछ भी कहेगा हम करने को तैयार हैं। आज ऐसा नहीं हो रहा है, आज परमेश्वर के वचन का गलत उपयोग हो रहा है, जिससे अंधकार, आत्मिक अंधकार में लोग जा रहे हैं, आत्मिक ज्योति नहीं लोगों के जीवन से प्रकट हो रही है। That the word of God is profitable for reproof, यानी ये reproof का मतलब होता है डांट कर, समझा कर और निर्देश देना और उसको सिखाना, तब तक देते रहना जब तक लोग ऐसा ना हो जाए, वैसा कर लेना लगे। इसीलिए एक्चुअली द सेकेंड तिमोथी पैसेज says not just reproof but also correction as well, यानी केवल डांटना ही नहीं है, डांटा किस लिए जाता है, ताकि व्यक्ति सुधार करे। तो जिसको आप डांट रहे हैं वो सुधार यानी करेक्शन कर भी रहा है कि नहीं? बच्चे को कब तक डांटते आप? जब तक वो सुधार ना कर ले। जब तक आपके जीवन में पूरा सुधार नहीं होगा तब तक आप डांट खाएंगे और आपको करेक्शन करना होगा, और अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो आप भाग जाएंगे, तो आपका जीवन वैसे ही होगा बुझी मोमबत्ती। द वर्ड ऑफ गॉड कम्स टू अस ऑफन टू रिप्रूव एंड करेक्ट अस, परमेश्वर का वचन हमको इसलिए आता है ताकि हमको डांटे, हमको निर्देशित करे, ताकि हम करेक्शन करें, हम अपने आप को करेक्ट करें। वन ऑफ गॉड्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट द फॉल्स प्रोफेट्स इज दैट दे वुड वाइट वॉश इज़राइल्स सिन। वो लोग मालूम है झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, इन लोग करते क्या है, ये जैसे पुराने नियम में जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो इसराइलियों के पापों को छिपाने का काम करते थे, उनको जैसे सफेदी नहीं करते थे, मेकअप कर दो ऐब ना दिखे, वो अंदर है, लेकिन परमेश्वर अंदर ही देखता, बाहर का देखता ही नहीं है। और संसार में लोग मालूम क्या करते हैं, बाहर से मेकअप कर लेते हैं, ऊपर से हम अच्छे दिखे, अंदर से कितने मैले हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि कहां, अंदर रहती है ना, तो परमेश्वर को धोखा दे पाएंगे। ये इसराइल के भविष्यवक्ताओं ने ये किया, दे वुड कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट ब्लेसिंग विदाउट हेल्पिंग इसराइल एंड जूडा टू सी दैट दे हैड सिन्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। यानी वो लोग भविष्यवक्ता जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो लगातार इसराइलियों को उनको आशीष, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु ने तुम्हें ऑलरेडी आशीषित किया, ये कहते रह गए और उनके पापों को उनको ये ऐसा नहीं निर्देश नहीं दिया, और उनको ये नहीं प्रकट किया वचन से कि परमेश्वर तुमसे नाराज है क्योंकि तुम पाप कर रहे हो, तुम पापी हो। और इसका कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने इसराइल को किनारे कर दिया, जिस हालत में थे वैसे ही छोड़ दिया। और परमेश्वर आज अन्य जातियों के साथ डील कर रहा है कलीसिया के द्वारा, आज भी वही हो रहा है जो पुराने नियम में हुआ है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही इतिहास फिर से दोहरा रहा है। और इस प्रकार का जो प्रचार है ना कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, और वो लोग पश्चाताप नहीं करते, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, बल्कि वो अनकन्फेस्ड सिन उनके जीवन में बना रहता है, जिससे परमेश्वर आशीष कभी दे ही नहीं सकता। एंड सिंस वी आर फॉलन क्रिएचर्स हु लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड, वी नीड फॉर गॉड टू रिवील टू अस दैट व्हेन वी आर एक्टिंग फॉलन। इफ यू रीड रोमन 7, अगर आप रोमियो 7 में देखें, पॉलस ने कहा यू डू नॉट कम अवे विद द थॉट दैट पॉल जस्ट नीडेड टू बी मोर पॉजिटिव, ही वॉज रेसलिंग विद वेरी रियल सिन एंड अ वेरी रियल फ्लैशली सिंपल नेचर दैट कुड नॉट बी डिफीटेड एक्सेप्ट थ्रू जीसस क्राइस्ट। दैट इज वाई वी नीड डेस्परेटली टू सी दैट वी नीड टू बी रिप्रूव्ड एंड डिसिप्लिन्ड बाय गॉड टू बिकम ऑल दैट गॉड डिजायर्ड फॉर अस टू बी इन क्राइस्ट। विदाउट दैट रिप्रूव एंड करेक्शन वी विल नॉट नो फ्रॉम वॉट वी नीड टू टर्न। द वे ऑफ लाइफ इज थ्रू बींग डिसिप्लिन बाय गॉड एंड दैट इन्वॉल्व द लॉर्ड रिप्रूविंग अस फॉर आवर सिन। यानी जब तक परमेश्वर की
ताड़ना के द्वारा हम सिद्ध नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। When commandments नहीं, when we come to His word, यानी जब हम परमेश्वर के वचन पे आते हैं, His commandments, उसकी आज्ञाओं में आते हैं, He is going to reveal to us how we have sinned against Him. तब हमें ये आज्ञाओं के द्वारा हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के विरुद्ध उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। He does not do this because He hates us. Contrary to that thought, He does it because He loves us. परमेश्वर हमसे नफरत करता है इसलिए हमें आज्ञा को नहीं दिखा रहा कि देखो तुम कितने पापी हो। परमेश्वर हमसे प्यार करता है इसलिए हमको दिखा रहा है कि देखो तुम कितने पापी हो, आईना दिखा रहा है ताकि हम करेक्शन करें। He desires us for us to share in His holiness. वो चाहता है कि हम उसकी पवित्रता के भागीदार बने। And that means He wants us to share in His life. इसलिए कि वो चाहता है कि हम परमेश्वरीय जीवन यानी स्पिरिचुअल लाइफ भी उसके साथ शेयर करें, जो अनंत जीवन है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं अद्भुत बातों के लिए, अद्भुत वचन की सामर्थ के लिए, अद्भुत वचन के द्वारा प्रकाशन के लिए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो करे जो हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और प्रभु यीशु मसीह में हमें मजबूत बनाने का काम करता है और हमारे जीवन में अंदर एरर्स को निकालने का काम करता है, त्रुटियों से हमें मुक्त करता है और हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने का काम करता है, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे, उसकी ज्योति को प्रकट करे और उसका नाम महिमा पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र वचनों के हमारा जीवन बिल्कुल सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन और बेकार का जीवन है। लेकिन प्रभु जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हमें जीवन का प्रकाश देता है, ताकि हमारा जीवन ज्योतिर्मय जीवन हो। जैसा यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये वायदा हम सब विश्वासियों के जीवन में पूरा हो, ताकि हम सब विश्वासी आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ज्योति इस संसार में प्रकट कर सकें और हमारा ज्योतिर्मय जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष।